करेंगे? नहीं देखिए, आज ओबीसी कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, एससी कांग्रेस और अल्पसंख्यक कांग्रेस के नेतृत्व में ये संकल्प सत्याग्रह किया जा रहा है। तमाम जो समाज के वर्ग हैं उनमें एक कहीं ना कहीं नाराजगी है, आक्रोश है कि किस तरह से हम लोगों के संविधान को धता बताने का प्रयास किया जा रहा है, जो बाबा साहब ने संविधान दिया था उसको कुचला जा रहा है, लोकतंत्र को कहीं ना कहीं धता बताने का प्रयास किया जा रहा है, सदन से सदस्यता 24 घंटे के अंदर में खत्म की जा रही है, आवास 48 घंटे के अंदर खाली कराया जा रहा है, एक कॉरपोरेट कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश पर कब्जा करना चाहती है उसके लिए इतना सब कुछ हो रहा है। तो हम इस संकल्प सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद हम लोग जिलों जिलों में, ब्लॉक्स में, पंचायत में जा करके हमारे सभी साथी ये बताने का काम करेंगे कि किस तरह से देश में एक नफरत का माहौल कायम किया जा रहा है। जो गांधी सरनेम है, जो महात्मा गांधी का सरनेम है, उससे नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है या उसको कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग ये समझे कि गांधी शब्द पीछे में लगाना इस देश में ठीक नहीं है। उस प्रयास को हम लोग जनता के सहायता से, जनता के सहयोग से लड़ाई लड़ करके और जो संविधान अभी जिंदा है, बावजूद जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों के मद्देनजर हम लोग लगातार जब तक कि जेपीसी की जो मांग है हमारी, अडानी के खिलाफ जांच की, घोटाले का पर्दाफाश नहीं हो जाए तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहे। मतलब अब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर ही दिखेंगे जब तक? पिछले 8 वर्षों से लगातार संघर्ष करते आए हैं। हाँ ये सही है कि 5 वर्ष पे चुनाव हुआ और फिर से एक बार उनको, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला, लेकिन अब तानाशाही चरम पर है और ऐसे में हम लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है और हम लोग अब सड़क पर ही रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।